Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start our part number 4 of your chapter 12, Changing Time. So जल्दी से start करते हैं. इसमें हम हमारे next 2 pages cover up करेंगे, page number 102 and 103. Open your books with page number 102. देखो कल के page पे कुछ questions continue चल रहे थे, वही आगे हैं, ठीक है? तो first question है, where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? तो जब आप बड़े हो जाओगे आप कैसे घर में रहना पसंद करोगे? सो आप अपनी कोई भी चॉइस लिख सकते हो. आप एक सिटी में रहना पसंद करोगे, आप एक बंगलो में रहना पसंद करते हो, या फ्लैट सिस्टम, ठीक है? तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी अपने पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो. और आई वुड लाइक टू लिव इन अ सिटी वेयर आई कैन ईजिली गेट ऑल फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, मेडिकल एंड जॉब्स. आई वुड लाइक टू लिव इन अ बिग सिटी और अ बिग हाउस. तो मतलब हम एक सिटी में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हमें हर तरह की फैसिलिटी मिले, एजुकेशन, मेडिकल और जो हमारी जॉब है वो भी बड़े होके वहीं पे मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वर मेड ऑफ. हैज सम ऑफ दोज मटीरियल बीन यूज इन योर हाउस, नेम दैम. तो वो कह रहे हैं कि जब आपके ग्रैंड मदर के हाउस का आपने लिखा था कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का घर था वो इस मटीरियल से बना था और हमारा जो मॉडर्न घर है वो इस मटीरियल से बना, तो दोनों के सिमिलर कौन सा मटीरियल है जो ग्रैंड पेरेंट्स के घर में भी था और अब वाले घर में भी है, ठीक है? तो आपको वो लिखना है. तो देखो जो भी मटीरियल आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके घर में सिमिलर है आप उन सबको मेंशन कर सकते हो, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो स्टील है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है. सो मेरे और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जो घर है उनमें सिर्फ एक लकड़ी, एक वुड ऐसा मटीरियल है जो कॉमन था. सो आउट ऑफ द मटीरियल्स यूज्ड इन माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ओनली वुड इज यूज्ड इन माय हाउस. तो उनके घर में और मेरे घर में एक ही चीज़ सिमिलर है कि उसमें भी लकड़ी यूज की गई थी और हमारे घर में भी वुड यूज की गई है. नेक्स्ट वन इज, पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. हम सबको पता है जैसे पेंट करने वाले भैया को हम पेंटर बोलते हैं, है ना? ऐसे एक एग्जाम्पल ली गई है, जो लकड़ी का काम करते हैं उनको हम कारपेंटर बोलते हैं. सो ऐसे बहुत सारे लोगों के नेम होते हैं. इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड. और आपके आपकी प्लेस में जो आपकी सिटी है, आपकी स्टेट है, वहाँ पे लकड़ी के काम करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, उसका नेम मेंशन करना है. तो हमारे यहाँ उसको कारपेंटर ही बोलते हैं. सो आई हैड रिटन एज अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड कारपेंटर. नाउ आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको इस पिक्चर में जो आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया गया है उसको फिलअप करना है. वट काइंड ऑफ वर्क इज बींग डन बाई डिफरेंट पीपल हेयर. तो देखो पहले हम इस पिक्चर को थोड़ा जूम कर लेते हैं. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंकल है ये मिक्सिंग कर रहे हैं सीमेंट में, ये रूफ बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं और वो पाइप सेट कर रहे हैं. तो बहुत सारे अलग अलग टास्क चल रहे हैं यहाँ पे. हमें टेबल में क्या फिल करना है कि क्या क्या काम चल रहा है, कौन कौन सा वो टूल यूज़ कर रहे हैं और उनको, उस पर्सन को क्या कहा जाता है. जैसे मान लो कोई लकड़ी का काम करता है तो हम उसको कारपेंटर बोलते हैं, कोई पाइप्स का काम करते हैं जैसे भैया कर रहे हैं तो हम उसको प्लम्बर बोलते हैं, बिजली वाले को इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं. तो जो भी बोलते हैं हम उनको मेंशन करेंगे. तो देखो सबसे पहले ये भैया रूफ बना रहे हैं, है ना? सो फर्स्ट वर्क कौन सा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ. वो किस टूल का यूज़ कर रहे हैं, ट्रॉवल का, और उस पर्सन को बोलते हैं मेजन, जो ईंटे लगा के रूफ को बना रहे हैं. और ये देखो ये टूल होता है मेजन, ठीक है? आप सबने देखा होगा इसकी हेल्प से जो वो है ब्रिक्स के ऊपर सीमेंट लगाते जाते हैं और रूफ बना देंगे. नेक्स्ट जो वर्क है वो क्या हो रहा है, ये वाले भैया मिक्सिंग कर रहे हैं सीमेंट की. सो नेक्स्ट वर्क इज मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड. और वो किस टूल का यूज कर रहे हैं इस मिक्सिंग के लिए, स्पेड का. और हम उस पर्सन को बोलते हैं लेबरर. स्पेड होता है ये वाला, ये तो आपने सबने पक्का देखा होगा, है ना? नेक्स्ट इज फिटिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स. वो भैया इलेक्ट्रिक वायर्स फिट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन. और वो किस किस टूल का यूज़ करते हैं, वो एक ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं और स्क्रू ड्राइवर का. तो देखो ये है एक ड्रिल मशीन जो वो भैया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये भी आपने देखी होगी जब कभी जो इलेक्ट्रीशियन आपके घर पर आए होंगे वो यूज़ करते हैं इनको. लास्ट इज फिटिंग ऑफ पाइप. लास्ट पे जो भैया हैं वो पाइप्स फिट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्लम्बर. और वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एक रेंच एंड पाइप कटर और पिलर्स. ओके, सो ये होता है रेंच या पाइप कटर, ठीक है? जिससे पाइप को जिससे कटिंग की जाती है लेंथ के हिसाब से. सो दिस वाज योर एक्टिविटी. लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. विद योर टीचर और समवन फ्रॉम योर होम गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. तो आपको अभी एक प्रॉपर प्लेस पे जाना है जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हो, फिर उस हिसाब से इनके आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट वन इज़ वट इज़ बींग बिल्ट देयर. जिस भी प्लेस पे, जिस भी कंस्ट्रक्शन प्लेस पे आप जाओगे अपने टीचर्स पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है उस बिल्डिंग का नेम लिखना है.
अ लार्ज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट देयर. मल्टी स्टोरी होता है जिसकी बहुत सारी मंजिलें होती हैं, ठीक है, जिसपे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर. तो उस साइट पे जहाँ पे आप गए थे कंस्ट्रक्शन साइट पे कितने लोग काम कर रहे थे. मोर देन 200 पीपल आर वर्किंग देयर. आपने जितने भी देखे, जितने आपको लगे, आप उतना यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. थर्ड वन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग. वो कैसा वर्क कर रहे हैं. देखो वो कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे होंगे. सो सम वुड मिक्सिंग द सीमेंट एंड सैंड जैसे वहाँ पे कर रहे थे स्पेड की हेल्प से. सम अदर्स आर वेल्डिंग द आयरन रोड. अ फ्यू पीपल आर कैरिंग द कंस्ट्रक्शन मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमने देखा है ना वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल को. एंड जो मेजन्स हैं आर प्लास्टरिंग द वॉल्स विद सीमेंट. लास्ट वन इज हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर. वहाँ पे मैन एंड वुमेन कितने थे. वहाँ अबाउट 150 मैन थे एंड 50 वुमेन थे. आपने जितने भी देखे, जब वुमेन ज़्यादा देखी तो आप ज़्यादा मेंशन कर सकते हो, मैन देखे ज़्यादा तो मैन मेंशन कर सकते हो. जैसा भी आप उस साइट पे जाके देखोगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, आप वो मेंशन करोगे यहाँ पे. ओके, सो दिस वाज योर पेज नंबर 103. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्लास यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वी विल डिस्कस लास्ट टू पेजेस ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 104 एंड 105 इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.